उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पत्नी चली गई मायके बिचपाइयों के साथ मारपीट, दो घायल। बताते चलें, पत्नी छोड़कर मायके चली गई तो बिचपाइयों से पत्नी को बुलाने का दबाव बनाता रहा पति। ससुरालियों को फंसाने के लिए एक बार घर में लगा दी थी आग। सगे भाई को बिचपाई घर पहुंचकर की मारपीट। इस मारपीट में दो लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल में उनको उपचार के लिए पुलिस ने भर्ती कराया। मामला है भोजीपुरा थाना क्षेत्र के दहिया गाँव का, जहाँ भोजीपुरा थाना क्षेत्र के दहिया गाँव में रहने वाली इकबाल की शादी देवरणीय क्षेत्र की रहने वाली सबीना से हुई थी। किन्हीं बातों को लेकर सबीना की इकबाल से नहीं बनी तो सबीना इकबाल को छोड़कर अपने मायके चली आई। उसके खानदान के ही भाई इलियास, यामीन, जुबैदा, इमरान के इकबाल की शादी कराई थी। पत्नी के चले जाने के बाद इमरान अपने ससुराल फंसाने के लिए जुगत बनाने लगा और अपने घर में आग भी लगा दी। चाची ने मारा है और उनके लड़कों ने मारा है और मेरी सास ससुर के कहने पर मारा है, क्योंकि इनका सास ससुर का काम है कि पहले शादी कराते हैं फिर बाद में दहेज पीड़ता लगा के पैसा लूटते हैं, और इससे पहले भी एक बार कर चुके हैं। मेरे से पैसे मांग रहे हैं और मैं बेबी भी रखने को तैयार हूँ। कह रहे हैं कि नहीं छोड़ो और हमें जो मतलब महर के पैसे हैं और दहेज के पैसे हमें दे दो। और इनने पहले भी कई बार शादियाँ कर चुके हैं ऐसे, मगर इस बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। देवरनिया की है सर, सबीना नाम है सर। बोले जमीन बेचो। अब सर के जमीन बेच देंगे तो हम रहेंगे कहाँ से? अब जब हम रखने को तैयार हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उससे ही पूछो तुम कि हर चीज़ जो मांगी उसने वो दी है उसको। मेरे चाचा ने मारा, चाचा के लड़कों ने मारा, चची थी और दो चाचा और थे, आमीन, इलियास, जुबैदा और क्या ना, इमरान और इरफान। हम दोनों भैयों को मारा है। इसका नाम असलम नाम है, मेरा नाम अकरम नाम है। दहिया के रहने वाले हैं सर, थाना भोजीपुरा लगता है सर।